मेरी मुलाकात अप्रैल में हुई, इसी अप्रैल में, तो मेरा जो जर्नी है वो केवल 6 महीने का है। अप्रैल से पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल 2012 में बनाया। आप समझिए 2012 और 2018 का ही 6 साल पहले, और उस पे व्यूज थे करीब 100। और मैं अपने आप को समझता था मैं बहुत ही गुडी ट्रेनर हूं, मैं कुछ बोलूंगा लोग सुने नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं लोगों को बदल दूंगा, मैं लोगों को पैसा कमाना सिखा दूंगा, मैं उनके जीवन में बदलाव ला दूंगा। तो ये था 2012 से 2018 तक उस पे 100 व्यूज थे। फिर मेरी ऐसे मैं भी सर्च कर रहा था और एक वकील थी तो वो मेरे से कॉल कर रही थी, सर आई वांट टू वर्क और मैं आपके लिए कॉलिंग करूं या मैं आपके लिए जो भी हेल्प करूं, बट मुझे आपके साथ काम करना है। एंड शी सेड कि सर आपको लाख रुपए लगाना मैं लगाऊंगी, आपको फ्री वर्कशॉप करना मैं करूंगी। मैंने कहा अच्छा है। तो शी सेड सर मैंने वो भी ढूंढ लिया है जो आपकी मार्केटिंग करेगा। द पर्सन वॉज आशीष। शी सेड कि सर मैं आपको उसको मिलाने लेके चलती हूँ। तो आई वेंट और मैं उनके ऑफिस में आया। तो 2012 में जब अप्रैल में जब हमने ये आशीष से मुलाकात की, तो फिर वही है कि ट्रेनर के पास आप किसी भी डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर से मिलेंगे तो आपको सीधा 50-60 हज़ार का बजट बना देगा, और इतना बजट होता तो फिर वो करे भाई। उसके बाद भी कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि भैया 50 हज़ार लगाओ, 1 लाख की तो मिल सकती है, ठीक है। तो वो बोलेगा कि भैया ये तो फिर वही आप जाने, मैं तो आपको ये कर सकता हूँ। तो अप्रैल में जब आशीष से मेरी मुलाकात, आशीष ने मुझे बोला देखो दो चीज मुझे चाहिए, एक आपके अच्छा फोटो चाहिए और एक आप एक अच्छा वीडियो चाहिए ताकि मैं आपको मार्केट कर सकूं। तो मेरे पास एक अच्छा फोटो नहीं था और मेरे पास एक अच्छा वीडियो नहीं था, राइट, जिसको आप किसी को दिखा सके मार्केट करने के लिए। तो एनीवे फिर भी एक फोटो लिया ऐसे किसी मोबाइल से और वीडियो फोटो बन गया, और ऐसे कुछ मोबाइल से ही वीडियो बना के मैंने आशीष को भेज दिया। एंड आशीष ने मुझे शुरू किया कि चलो शुरू करते हैं। इन्होंने मेरी साइट देखी, यूट्यूब पे मेरा चैनल देखा और फेसबुक पे मेरा पेज बनाना शुरू किया। उससे पहले फेसबुक पे ना मुझे कोई रिक्वेस्ट भेजता था और ना मेरी कोई लेता था, राइट। So, उसके बाद जब ये अपने आप को मार्केट करना शुरू किया और आशीष ने मेरी हेल्प करी, मुझे समझने में हेल्प करी कि ये डिजिटल मार्केटिंग क्या है, तो कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि फेसबुक पे जब भी मैं अपना फेस वो पेज खोलूं उसमें करीब 150 लोग होते थे जिनकी रिक्वेस्ट होती थी। उससे पहले करीब मेरे से 300-400 लोग थे मेरे कॉन्टेक्ट। उसके बाद मेरे लिए ये हो गया कि मैं किसको एक्सेप्ट करूं किसको नहीं करूं, क्योंकि ये भी एक प्रचंड गंगा है जिसमें इतनी तरह के लोग हैं, राइट। तो अभी मेरे जो फेसबुक पे जो फ्रेंड्स है वो करीब करीब 4,500। यूट्यूब पे जिसपे 100 व्यूज होते नहीं थे तो मुझे ऐसा लगता था कि ये शायद एक ज्ञान है और सब अपने बेचने के लिए करते हैं कि आप YouTube से पैसे कमा सकते हो, क्योंकि उसका जो बेसिक जो उसके पहला क्राइटेरिया वो है कि कम से कम आपके 4,000 घंटे लोगों ने देखे हो और 1,000 आपके सब्सक्राइबर्स हो। तो 1,000 सब्सक्राइबर्स तो जब होंगे ना 100 व्यूज भी नहीं उस पे, राइट। सो मैंने एक एक वीडियो ऐसे बनाना शुरू किया उस पर डाला, और जब मैंने पिछली बार अपना व्यूज देखा टोटल तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सितंबर तक 50,000 भी क्रॉस होगा, तो मेरे लिए ये ड्रीम था, लेकिन अभी वो करीब 70,000 के करीब। और जो मेरे जो क्राइटेरिया है मोनेटाइजेशन के वो सब तो कंप्लीट हो चुके हैं। हालांकि मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैं मोनेटाइजेशन के लिए नहीं भी जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे चैनल को लोग देखे बिना एंड के ही देखे, क्योंकि मेरा इंटेंट ये भी है कि लोग मेरे से फायदा उठाए, मैं अपनी
जो एक्सपीरियंस है उससे लोगों में बदलाव आ, और ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि कोई भी अगर मुझे हाथ पकड़ा है गारंटेड मैं उसको पार कर लूंगा, ये मेरी मानस है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ इफेक्ट बट था ही, क्योंकि जो मुझे आता है वो मेरा सारा जमीन पे सीखा हुआ है, कुछ ज्ञान नहीं है जो किताबों से आया। तो मैंने पहले अपना जब आशीष से मदद से वर्कशॉप किया अप्रैल में, तो आप वर्कशॉप रख देंगे, आप फीस रख देंगे, आएगा तो आप। तो मैंने एक 3-स्टार होटल है फरीदाबाद में, और मेरे पहले जो मेरा वर्कशॉप था जिसमें हमारी 10,000 रुपये की फीस होती थी, तो मुझे उसमें 29 पहली बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ गया कि यस डिजिटल मार्केटिंग वर्क्स। अब फिर ट्रेनर को यही होता है कि जहां पे चोट लगी तो लगता है इस बार तो चोट के दोबारा होगा क्या, तो फिर दोबारा मैं आ गया, तो फिर ये हुआ कि अब लोग कहां से आएंगे। तो अब ये था कि चलो एक बार तो तुक्का लग गया, हर बार थोड़ी काट पीछा हड्डी चढ़ी, राइट। अप्रैल में किया, अप्रैल में मेरे 35 लोग, मई में 35 लोग, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर मैंने हर मंथ किया, और मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो बिल्कुल अच्छे जाने लगे। और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जहां हम ट्रेनर्स किसी से बोलते हैं तो हम अगर उनको कहते हैं कि हम एक प्रोग्राम का 30,000 लेंगे तो लोग बोलते हैं नहीं हमें तो 2,500 में मिल रहा है, ये तो प्रोग्राम 5,000 में भी कर देता है। मैंने कभी उनको एक्सेप्ट नहीं किया, अगर ट्रेनर है तो हम अपनी कंडीशंस पे प्रोग्राम करेंगे और घर में रहेंगे, लेकिन अपने आप को अंडरसेल नहीं करेंगे, तुम्हारी कंडीशंस पे नहीं करेंगे। 2,500 में मिलता है, 500 में मिलता है, मैं तो 100 रुपए में ले लो ना, अगर लाइफ चेंज होती है तो लाइफ चेंज अगर 100 रुपए में होती है 1,00,000 में होती है वो सस्ती है, अगर वो लाइफ चेंज ट्रांसफॉर्म करने की भी गारंटी ले लेते, राइट। तो ये मेरी जो जर्नी थी इसमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, और आज अगर मैं देखूं तो मुझे शायद फेसबुक पर करीब 5,00,000 लोग देख चुके हैं, और जो एक इफेक्ट बर्ड्स की तो जो इसकी पावर है डिजिटल मार्केटिंग की वो बिल्कुल अमेजिंग है। मीन एक पर्सन जो नॉर्मल है उसको ये सेलिब्रिटी बना सकती है केवल चेक। अभी सितंबर है, मुझे ऐसे लगता है कि जब मैं दिसंबर तक पहुंचूंगा तो तब जब अप्रैल में मैं मिला था तो आशीष को मैंने फर्स्ट टाइम बोला देखो आशीष मैं काम शुरू कर रहा हूं मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसे होंगे तो फिर मैं आपको पे कर सकता हूं, लेकिन आज मुझे ऐसे लगता है आई एम गेटिंग इनफ मनी। 3 से 5 लाख रुपया अगर आप महीने में गिनते हैं तो फिर आपको वो कॉन्फिडेंस भी आएगा, बिलीफ भी आएगा, और ट्रांसफॉर्मेशन विल स्टार्ट। तो मेरा अब क्लियर विजन ये है कि क्योंकि मेरा पार्ट देखो ट्रेनर का है, तो मैं ट्रेनर पे आऊंगा तो मेरा फिर वो टॉपिक देखो लंबा है, आई विल टेल यू द ट्रिक्स कि कैसे आप 1 करोड़ कमा सकते हैं। तो मेरा विजुलाइजेशन बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि अगले साल तक कम से कम 2 करोड़ मेरा इजीली टर्नओवर होगा, इजीली टर्नओवर होगा। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई आर्ट्स है ही, ये साइंस है, किसी को भी सिखा सकते हैं। और ये आशीष के लिए मैं ये बोलूंगा ही इज ट्रूली जीनियस, वेरी सिंपल। और मार्केट में जब आप किसी को ढूंढने जाते हैं तो आप यही चाहते हैं कि जो बेस्ट भी हो और अफोर्डेबल, तो उस ही इज वेरी ऑनेस्ट, वेरी सिंपल। और अगर ये सिंपलिसिटी और ऑनेस्टी से ही मैं कनेक्ट हो गया जब मुझे विश्वास हुआ, एंड बिलीव मी लास्ट 6 मंथ आई एम हिज गुड स्टूडेंट। तो ये जो सारे जो एप्लीकेशंस है कि मैंने खुद ही करने शुरू करे, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं किसी को पे करूं, बट नाउ आई एम वेरी वेरी श्योर कि ये मैंने सीख लिया अपने आप। लेकिन मे बी 2-3 महीने यहाँ से हम एक बड़ा प्रोग्राम लॉन्च करेंगे आशीष के साथ ही, और हम कोशिश करेंगे कि यही बात हम लाखों लोगों को सिखाएं, अपने जीवन को कोई भी इसको एक्सेप्ट करके बदल सकता है। थैंक यू सर।